सरकार को दर्द नहीं होले बेटा हमरा सब कुछ खा गए अब उम्र खत्म भए गए अब हमरा बेटा लास्ट में मजदूरी करल जा रहा करुणा कही कही का मोदी देश बेची दिल को। अगर मोदी जी चाहते हैं तो एक बार बैलेट पेपर पे चुनाव करवा करके देख लें। चैलेंज कर रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं मोदी जी से कह रहा हूं और अमित शाह गृह मंत्री से भी कह रहा हूं कि अगर उनके अंदर हिम्मत है वो बैलेट पेपर पे चुनाव आ जाए, पूरे भारत में 50 सीट से भाजपा को एक। पर क्या होगा पूर्णिया में? पूर्णिया में बीमा भारती को हम लोग जिताएंगे। बीमा भारती की पप्पू यादव? नहीं, बीमा भारती को। कुछ लोगों ने कहा है कोटवा मांगेगा, इसे थोड़ो मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, क्यों मिलेगा? क्या कह रहे हैं? ढेर विकास किए हम पूर्णिया में। कोई विकास नहीं किया, वो उसे झूठ बोलता है। क्या बात है। और महागठबंधन के प्रत्याशी इंडिया गठबंधन जहां से भी चुनाव लड़ रहे हैं वह जीत करके इस बार 350 सीट जो है के पार्लियामेंट पहुंचेंगे। डॉलर जहां 58 था अब हो गया है 83। मैं बचबोगे आगे मोदी ललको सबका सोधी। पैसा होगा तब ना, अभी इलेक्शन है तो लॉलीपॉप दे रहे हैं, गरीबों के खाता में 2000 भेज रहे हैं कि आप जाइए राम मंदिर। और जो अति पिछड़ा के लोग हैं, जो दलित हैं, महादलित हैं, हरिजन है, क्या उसको मंदिर के पास सटने तक के लिए नहीं दिया जाता है? ऐसा आश्वासन दिया कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, 2 करोड़ में से कि 1 लाख भी युवा को नौकरी नहीं मिला। रोजगार नहीं मिला आपको? बिल्कुल, किसी को कोई रोजगार नहीं मिला। आज हमारा एक पैसा भेजू ना, हमारा बेटा आर्मी में पास होले, मोदी जी रिटायर कर दिल के। देखिए अभी हमारी मौजूदगी गणेशपुर पंचायत में है, पूर्णिया जिले में पड़ता है। और कौन सा प्रखंड है जी? कौन सा विधानसभा? धमधा विधानसभा। धमधा विधानसभा का गणेशपुर पंचायत है। और यहाँ पे देखिए रात के एक बार दिखाना चाहेंगे, अभी बज रहा है 11 और 11 बजे पूरे गांव के लोग जगे हुए हैं। चाचा क्या लगता है इस बार पूर्णिया में किसकी लहर चलेगी? बीमा भारती। बीमा भारती? हाँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव जीत रहे हैं। देखिए लोग, जनता कहना है, जिसको लोग चाहेगा उसी को दे देगा, जिसको चाहेगा उसी को देगा। अच्छा वाकई में किसकी सरकार होनी चाहिए? अभी हमारे देश में एक बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई है, इंडिया वर्सेज एनडीए। जो इंडिया महागठबंधन है, इंडिया से वो कह रही है कि देश में एनडीए जो है तानाशाही कर रहे हैं। इस बात से आप लोग कितना मतलब सहमति रखते हैं? सहमति भारी बहुमत से उसको जिताएंगे। तो अच्छा क्या लगता है एनडीए की जो सरकार थी मोदी जी की 10 सालों से, वो नहीं ठीक था? नहीं, अच्छा था। तो फिर अच्छा था तो काहे बीमा भारती को जिताइएगा? देखिए बीमा भारती जो है ये मेरे गाँव का पंचायत का है, धमधा पोक्सर का है, अच्छा आदमी है, बगल का है। यो जीतेगा तो हम लोग का पड़ोस का आदमी है, अच्छा से देखेगा। संतोष कुशवाहा से कहा नाराज की है? यहाँ तो कभी अभी नहीं किया है, कभी नहीं आया है, कभी नहीं आया, कभी नहीं आया है। इतना दिन में एक को बार कभी नहीं आया है, जिसको किसी को पूछे कभी नहीं आया, कोई पूछने 10 साल में कोई पूछने अब को मर तो नहीं आया, कुछ नहीं। विकास उकास किए हैं? कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। विकास उकास करवे नहीं किए जी? संतोष कुशवाहा जी को जानते हैं? नहीं, हम लोग जानबे नहीं करते। ले 10 साल से सांसद हैं आपके, आई भी नहीं किया है तो देख भी नहीं करेंगे, तो अब उनको चिन्हेंगे कैसे? वो नहीं करते हैं नहीं। अब आएंगे बनिया से देख लीजिएगा, वोटवा मांगे लगी, वोटवा मांगे खींच के रख लीजिएगा। वोटवा मांगेगा इसे थोड़ो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्यों मिलेगा? काहे वो आई भी नहीं करेगा तो ये मिलेगा कैसे? नहीं आएगा तो उसको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। चलिए तो संतोष कुशवाहा जी को नहीं जानते, आप जानते हैं जी? हाँ अच्छा जानते हैं। कैसे आदमी हैं? आदमी तो वो जो भी है ठीके है। कह रहे हैं ढेर विकास किए हम पूर्णिया में। कोई विकास नहीं किया, वो उसे झूठ बोलता है। क्या बात कर रहे हैं? कोई विकास नहीं किया अभी तक, एक को विकास नहीं, कोई विकास नहीं। वो तो कह रहे हैं मेडिकल खुलवा दिए, शिक्षा का विकास कर रहे हैं। कुछ नहीं किया है वो नहीं। जो किया है वो बड़का के लिए, छोटका के लिए कुछ नहीं किया। छोटका के लिए कुछ कर रहे नहीं, कुछ नहीं। मोदी जी कहते हैं कि हम 6000 रुपया दे रहे हैं किसानों को, ऐसे जुमलाबाजी करता है, कुछ नहीं देता है वो। आपको नहीं मिला 6000? कुछ नहीं मिला है। काहे नहीं मिला? हम क्या करेंगे, नहीं मिला तो हम लोग गरीब आदमी, नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? उसको अमीर आदमी को 6000 मिलता है? हाँ, अमीर के लिए है वो, गरीब अमीर के लिए है। हाँ। इस बार क्या होगा पूर्णिया में? पूर्णिया में बीमा भारती को हम लोग जिताएंगे। बीमा भारती की पप्पू यादव? नहीं, बीमा भारती को। कुछ लोगों ने कह रहे थे कि पप्पू यादव को जिताएंगे, कहने से क्या होगा, बीमा भारती जीत जाएगी? हाँ अभी जीत जाएगी, जीत जाएगी। हाँ चलिए और लोग हैं उनसे जानते हैं। क्या जी सर, इस बार पूर्णिया की रुख जो है, हवा जो है किधर चल रही है?
पूर्णिया इस बार महागठबंधन की हवा चल रही है। महागठबंधन की जी, जहाँ जा रहे सब महागठबंधन, मोदी जी से काहे नाराज है युवा सब? मोदी जी से युवा सब जो है कि 2014 में उन्होंने बिल्कुल ऐसा आश्वासन दिया कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, 2 करोड़ में से कि 1 लाख भी युवा को नौकरी नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला आपको? बिल्कुल, किसी को कोई रोजगार नहीं मिला जा। और जो है कि गैस सिलेंडर जो दिया घर में, उजाला उजाला गैस करके दिया ना, गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर तो दिया, लेकिन जो है कि आज सबका सिलेंडर जो है ना 90% सिलेंडर घर में रखा हुआ जलावा कर रहे हैं। और जलावन से बोलो वहाँ बहन हमारी खाना बना रही है जिनके आँखें भी अब खराब होने लगी है, मतलब गैस होने के बावजूद जलावन पे खाना का गैस का आदमी? गैस का दाम ही इतना हो गया कि 1200 रुपया जो कि गरीब को बेचारा मजदूरी करते हैं। धोखा दिया गया ना 100 रुपया का, 100 रुपया क्या सब्सिडी देगा, वो सब्सिडी वगैरह कहीं कुछ नहीं आ रहा, सब जुमलाबाजी है, सब जुमलाबाजी है मोदी जी का। जो अच्छे दिन दिखाया था, अच्छे दिन क्या आएंगे, सब बुरे दिन, और मौका दीजिए तब दिखाएंगे। ये अडानी और अंबानी की सरकार है ना, कि ये गरीबों की सरकार है अडानी अंबानी, और जो है कि उन लोगों को जेब भर करके सारे जो है कि जो उन्होंने कहा था, जब खुद जो है कि सरकार की निजी प्रॉपर्टी को बेच बेच करके जो कि मोदी और अडानी का जेब भर रहा, तो वो गरीबों को क्या देखेगा। 16 तारीख को मोदी जी आने वाले हैं पूर्णिया में, जाइएगा मिले। 16 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं। देखिए मैंने आपको क्या कहा कि हम लोगों ने ऐसा नहीं कि मुस्लिम भी यहाँ का जो है कि 25% मोदी जी को वोट देने का काम किया था, ये अच्छे दिन आएंगे। बिल्कुल, 70 साल के कांग्रेस को देखा हमने, हम लोग सोचे कि एक बार मोदी जी को भी देख करके बदल लेते हैं, बदल के देखते हैं, लेकिन 10 साल जो उन्होंने सरकार में बदल दिए, 10 साल में देश को ही बदल करके रख दिए पूरा, एकदम नया चकचक कर दिया हर जगह, चकाचक वाला, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात कहीं नहीं रही, भाईचारा की बात कहीं नहीं रही, सिर्फ जो है कि भैया राम मंदिर ठीक है, राम मंदिर बनाए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, मुस्लिम भाई ने बिल्कुल उसको एक्सेप्ट किया, कहीं हाँ सम्मान दिया, इज्जत दिए, भैया एक आस्था की चीज है, चलो हमारे जेब में आस्था के लिए पैसा होगा तब न, अभी इलेक्शन है तो लॉलीपॉप दे रहे हैं, गरीबों के खाता में 2000 भेज रहे हैं कि आप जाइए राम मंदिर, और जो अति पिछड़ा के लोग हैं, जो दलित हैं, महादलित हैं, हरिजन है, क्या उसको मंदिर के पास सटने तक के लिए नहीं दिया जाता है, मंदिर में पूजा करने के लिए? भेदभाव होता है जिस जमाने, बिल्कुल पूरा भेदभाव, आप छुआछूत अभी भी है, आप चलिए जाइए, आप देख लीजिए अभी राम मंदिर में जाकर के, दलित और महादलित को किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा, जी का गारंटी है इस बार 400 पार मोदी जी, वो हो सकता है कि ईवीएम में फिट कर ले 400 पार तो अलग बात है, अगर मोदी जी चाहते हैं तो एक बार बैलेट पेपर पे चुनाव करवा करके देख लें, कर रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं मोदी जी से कह रहा हूं और अमित शाह गृह मंत्री से भी कह रहा हूं कि अगर उनके अंदर हिम्मत है वो बैलेट पेपर पे चुनाव आ जाए, पूरे भारत में 50 सीट से भाजपा को 50 सीट से 51 सीट नहीं होगा, इंदिरा गांधी का भी हमने दौर देखा है, मोदी का भी दौर देखा है, फिर दोबारा पुनः जाके राहुल गांधी जी को हाथ को हम लोगों को मजबूत करना है, और सेंटर में बदलाव होगा, और महागठबंधन के प्रत्याशी इंडिया गठबंधन जहां से भी चुनाव लड़ रहे हैं वह जीत करके इस बार 350 सीट जो है के पार्लियामेंट पहुंचेंगे। क्या बात है, चकाचक पूर्णिया हुआ जी? नहीं, कहां हुआ चकाचक, नहीं हुआ, आप नहीं देख रहे हैं, दिखाइए जरा कैमरा घुमाइए, आपने पूरा रिपोर्ट किया, कहीं देखा पूर्णिया चकाचक? बोर्ड लगल है ना चकाचक पूर्णिया का, एकदम जनता को बहुत पड़ी महंगी सरकार, बहुत महंगी पड़ी, बहुत महंगी पड़ी सरकार, लोग ना जीता के भेज, आटा जहां 20 रुपए था अभी मिल रहा है 40 रुपए, दाल जहां 80 रुपए था अभी कितना मिल रहा है, कितना 150, 210 रुपए मिल रहा है जी, जहाँ दूध 30 रुपए था वो 66 रुपए लीटर मिल रहा है, जहाँ की तेल 52 रुपए था सरसों तेल, आज कितना मिल रहा है 150 रुपए लीटर मिल रहा है, डाटे रख ले हैं आप, डीजल 52 रुपए था अभी क्या कह रहा है कि 90 टका लीटर मिल रहा है, पेट्रोल था आपका क्या कह रहा है कि 66 रुपए वो 107 रुपए अभी मिल रहा है, क्या बात, पूरा लिस्ट, मोदी जी पूरा विकास कर दिए, क्या विकास किए जी, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कुछ विकास नहीं हुआ, और चले आइए आपको रसोई गैस में, जहां कांग्रेस की सरकार थी जिसको मिल रहा था 410 में अभी उसको मिल रहा है 1200 रुपए में, और चले आइए आप क्या कह रहा है कि डॉलर पे, डॉलर जहाँ 58 था अब हो गया है 84, हाँ यही है मोदी सरकार का विकास, कौन विकास है भाई, कह रहे हैं अब की बार भाजपा 400 पार, कोई 400 पार नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं एकदम नहीं होगा, मोदी जी के साथ नहीं है, नहीं है, अरे इतने स्मार्ट पड़ क्या बात कर रहे हैं, स्मार्ट, उसका स्मार्टनेस लेकर के हम धो के पिएंगे का,
स्मार्ट प्रधानमंत्री नहीं चाहिए आप लोगों को? क्या बात कर रहे हैं, हमको विकास पुरुष मंत्री चाहिए। विकास पुरुष चाहिए? जी जी, मोदी जी विकास पुरुष नहीं। ना ना ना, फेकू चंद। फेकू चंद एकदम नहीं चलेंगे इस बार। ना ना, इस बार पूर्णिया में किसकी सरकार? किसकी सरकार? महागठबंधन की सरकार। महागठबंधन एकदम। चलिए, इनके बातों से कितने लोग सहमति? जरा हाथ उठाइए ऊपर, हाथ उठाइए। पूरा सहमति है। इंडिया का गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद। लालटेन छाप जिंदाबाद, विमला भारती जिंदाबाद। देखिए इधर महिलाएं हैं, रात के गाना गाए हैं। क्या बात है, आइए आपका गाना भी सुन लिया जाए। मैं आप लोग के सामने एक मोदी जी का गाना पेश करूंगा, थोड़ा आप लोग सुनिएगा। आबन बचबोगे ये मैयो, आबन बचबोगे आगे मोदी ललको सबका सोधी। आबन बचबोगे करुणा कही कही का मोदी देश बेची दिल को गे। नाती पोता वाला भेलिए कहियो ने देखलिए। मोदी करुणा कही कही का मोदी देश बेची दिल को गे। गैस कह रहोगे दीदी 300 में हमेशा होतोगे। खाता पर जब पैसा भेजबो पूरे डाटा मिलतोगे। आज हमरा तोरा घर में भाभी भौजी भैया देवर कुछ नहीं मिले छोगे। आज मकई के बलरी खरीद छे गैस के चक्कर में गे। 1200 रुपया अबरी सिलेंडर में लगे छी। केना के भरबे है हो मोदी 300 के आदत धरैला हो। अंग्रेज के पहले एक बात और हमको याद आ गई कि अंग्रेज जो था पहले अपना इंडियन में चाय पीने के लिए नहीं जानता था। चाय का आदत लगाया पहले, पहले जो में पिलाया। पहले जो है वो अंग्रेज फ्री में चाय पिलाता था। उसके बाद वो दुकान दिया। दुकान देने के बाद पब्लिक को आदत लगाया कि अपने घर में ले जाके पियो बनाओ। उसके बाद देखते हैं ना कि अपना इंडिया का आदमी अब चाय पीने के लिए सीख गया। तो वही गैस जो है हमारे मोदी जी ने बोला कि 300 रुपए में ही मिलेंगे। हमारी बहन सबको बोली कि ये 300 में ही मिलेगा आपको गैस। अभी देखिए 1200 रुपए कर दिया, आदत लगा के बढ़ा दिया। आदत लगा के बढ़ा दिया, क्योंकि अब तो मैडम जी बगैर गैस खोले हुए खाना नहीं बनाती, नहीं बनाती है। बात तो सही है। और हम 200 रुपए कमाते हैं तो उसमें क्या गैस हो जाएगा, क्या खाना हो जाएगा, उसमें चावल हो जाएगा क्या? मजदूरी का तो कोई, मजदूर का तो कोई बात ही नहीं होती है। आप देख लीजिए, एक चीज तो जरूर है मोदी जी में, हमने ये देखा जरूर, लगभग 35-40 वर्ष तो मेरा भी उम्र हो गया होगा लगभग। मैंने आज तक बाबरी मस्जिद और मंदिर और ये आज तक नहीं देखा था, कोई नेता ऐसा किया ही नहीं था। लेकिन जब से हमारे मोदी जी आए हुए हैं तो बात गरीबों की नहीं होती है, मंदिर और मस्जिद की होती है। जब भी बात होती है तो वही मंदिर वही मस्जिद। मुसलमानों को कहाँ भेजना है, एक गाय का जिसे अरखरा बोलता है ना, अरखरा बना के उसी में मुस्लिम को रखना है। अच्छा, है ना। अक्सर यही विवाद होती है। और ये विवाद अगर खत्म हो जाए ठीक है, लेकिन ये भी विवाद नहीं होने वाला। चलिए, ये विवाद भी खत्म होने वाला नहीं है। महिलाएं भी टकटकी लगाकर 11 बजे तक जगी हुई हैं। क्या नाम, इन्हें देखा, इन्हें देखा, इन्हें देखा, इन्हें क्या, मेरे पापा की नाम हो लो? हाँ, बीबी जयबून। क्या कितना साल उम्र हो तो दादी तोहर? 50 साल। 50 साल हो तो लालू के राज देखला हो, नीतीश जी के राज देखला हो, मोदियो जी के राज देखला हो। सबसे बढ़िया राज के कर रहा है लालू जी का। लालू क्या रुपया मोदी तो उसको दिए दिल को लालटेन जरते तीर चलते न लालटेन जरते सब कहे तीर चलते न तीर के न चलते लालटेन कमल नहीं खिलता है नहीं खुलते किए नहीं खिलते कमल कमल जे देखा दिल के अपना रुतवाद मुख खिलते कि ना देखा दिल के अपना रुतवाद अब नहीं चले वाला मोदी नहीं चले वाला ढेर नाराजगी दादी का है
काहे इतना नाराजगी मोदी? नाराजी नाराजी करके जो अपने से अपने से हाँ अच्छा मो अपनो जो रुतबा देखती है तब नाराज नहीं रहती है पब्लिक मतलब मो जहनो रुतबा देखल के ना कि चौपट करके रखी दल के सब कर रखी दल के चला तो चौपट करके रख दिया। इधर एक महिला चाची है बोल रही थी, क्या लगता है चाची मोदी जी के राज बनिया कि लालू जी के? मोदी जी के राज हमरा एक पैसा भेलू ना से हमरा बेटा आर्मी में पास होले मोदी जी रिटायर कर दिल के और ओकरा मंदिर मस्जिद बनतो रह गेले। कोरोना लगती है सब कुछ हमने लगती है। 4 साल वाला नौकरिया ललखुन ना मोदी कहना 4 साल का हमरा बेटा के 17 साल की नौकरी रहे कहना खा गेले मोदी जी खा गेले। हां नहीं खुश है मोदी जी से? ना नहीं या 10 साल भे गेले मोदी जी की सरकार बनला से रेलवे वैकेंसी अभी तक नहीं देलकै हमरा बेटा मजदूरी करल जेतै। अब बात तो सही है, सरकार कर बना को जी करतै? हां उ सरकार बगल में रहती है तोरा बहुत बात कहती है। बहुत बात हां हमरा दिल में ओत्ता घाव छे। हमरा आर्मी के दौर जे करे छे लड़का ओकरा पूरा शरीर टूटी जा छे जेकरो पैदा से बच्चा छे मैं जाने छे बेटा कत दर्द छे। बिल्कुल बिल्कुल सरकार को कोई दर्द नहीं होले बेटा हमरा सब कुछ खा गेले अब उम्र खत्म भ गेले अब हमरा बेटा लास्ट में मजदूरी करल जा रहलो छे। मजदूरी करने जा रहे तब ना जाएगा? नौकरी नहीं दिया कहां जाएगा? बहुत ज्यादा नाराज लग रही हैं आप तो। पूरा पूरा ई बार का होगा पूर्णिया में? जो हमको विकास देगा उसको भर देंगे। लालटेन छाप की तीर छाप? लालटेन छाप में लालटेन जल जाएगा? हाँ हाँ पूरे पूरे तब एकदम एकदम फिर से? हाँ तब ना जलेगा। मटिया तेल आएगा फिर उसे तो ना आएगा? सरकार बदलेगा तो मटिया तेल में कौन जरूरी है? हाँ तब की बल्ब नहीं अच्छा लगे छो? ना बिल नहीं देते लाइन काटी दे छे। ले बिल नहीं दे रहे लाइन में काट देता है तो बाकी लेकिन लालटेन नहीं बुतता था ना पांच टका तेल आने रही तो घर में आराम से बरबे रहिए तो देखे रही रोशनी में भात तरकारी अखनी पैसा नहीं दिलिये लाइन कट के अवान्हा रहूं भू भू के। बात तो सही है तो इस बार मोदी जी नहीं चलने वाले? ना हरगिस ना हरगिस ना मोदी जी हमरा बगल में रहते बहुत बात कहती है। बहुत बात हाँ 16 तारीख के मोदी जी आ रहे हैं तोरे पूर्णिया में। पूर्णिया में वैसे कौन सी रेवा मंदिर मस्जिद करते बस जेते बस हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात 10 साल भे गेले में रेलवे वैकेंसी नहीं देलको छे। बात तो सही है हमरा बेटा तैयारी करके बैठलो वैकेंसी देते जरूर है पास होती है विकास मिलती है तो हम खुश होती है ना। अच्छा तेजस्वी यादव कैसन नेता है? तेजस्वी यादव जो वादा करके रहे मैं नेता रहे बच्चा मतलब अदा करके ना तो 5,000 लड़का नौकरी भाग लो जे मैं रहती है गद्दी पर 200 भेजते नौकरी। बात तो सही है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लायक है? हाँ हाँ नीतीश चाचा का क्या हाल? नीतीश चाचा होले पलटू दास पलटी घिन्ना पलटी घुन्ना पलटी दास हाँ पलटी गेले तब ने सब हाल होले इन्हें रहते तो ठीक था। हाँ उन्हें नहीं जाना चाहिए था ना एला नीतीशो चाचा को वोट नहीं दीजिए ना ककरो ने सरकार बदल ले रहते तो पूर्णिया में बदलाव हो जाएगा। हाँ पूरे एकदम 20 साल से पूर्णिया में जेडीयू और बीजेपी की लगातार बीजेपी का सांसद बन रहा है। साफ तौर पे जो यहाँ के लोग हैं उनमें नाराजगी दिख रही है। ये कह रहे हैं कि 20 सालों में पूर्णिया में कोई विकास नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं कि जो नौकरियां थी जो वैकेंसियां थी वो भी खत्म हो गई। मुझे ये ताजुब लग रहा है कि आज हमारे घर की महिलाएं आंखों में आंसू भरे बोल रही हैं कि हमारे बच्चे जो हैं तैयारी कर रहे थे आर्मी का और जब उनको जॉब नहीं मिला तो आज वो रोजगार यानी कि दूसरे शहरों में जाकर काम करने के लिए मजबूर है। जरा ये सोचिए कहाँ तक उचित है। जो मोदी जी को नहीं लाएंगे और इस बार पूर्णिया की जनता जो है महागठबंधन के साथ है। क्या जी महागठबंधन के साथ लालटेन जलेगा जी? जी जलेगा जी। अरे इतना मसुआल बोल रहे हैं जलेगा 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 जी एकदम धधाएगा पूरा धधाएगा लालटेन। ये सब मसुआल बोल रहे हैं आप कहा कीजिएगा टाइम नींद आ रहा है 11:30 हो गया है। चलिए तो टाइम अधिक हो गया है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझेंगे। तो साफ तौर पे यहाँ के लोगों का कहना है कि इस बार महागठबंधन के साथ पूरी पूर्णिया की जनता है। आपका क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में